हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी जो लास्ट वीडियो तक हमने कंटिन्यू किया था कि होम पेज पे आ गए थे हम अपने, और यहाँ पे आप लोग मेरा यहाँ पे मोबाइल भी देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल के ऊपर ये ऐप रन हो रही है। ऐप रन होने के बाद अब हम एक बार दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, और हमने करना क्या है कि अब इसको जिस भी पेज के ऊपर क्लिक करें तो उसके डिटेल्स के पेज के ऊपर भी हम चले जाएँ। तो यहाँ पे मैंने जो क्लिक फंक्शनैलिटी लगाई हुई है इसी के अंदर मैं काम करूँगा, और यहाँ पे नेविगेट फॉरवर्ड करते हुए एक और काम ये कर देंगे कि नेविगेट फॉरवर्ड करते हुए हम यहाँ पे डाटा भी पास करेंगे। ठीक है, तो डाटा असल में हमारा कहाँ जा रहा है, पोस्ट के अंदर जा रहा है सारा, और ये इस पोस्ट के अंदर पहला डाटा है। फिर क्योंकि इस पर लूप चल रही है तो पोस्ट अरे के अंदर से डाटा आता है, तो पहला डाटा पोस्ट के अंदर आ गया, फिर दोबारा दूसरा डाटा भी पोस्ट के अंदर। तो ये जो पूरा पोस्ट का ऑब्जेक्ट है इसको मैं पोस्ट डिटेल्स के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट आ गया, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ पे लिख दें पोस्ट डिटेल्स, और इसके आगे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपना डाटा भेजूँगा। डाटा मैं भेज रहा हूँ डाटा के नाम से, और जो भी चीज़ मैं यहाँ से भेज रहा हूँ वो क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं जेसन स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग बना लेता हूँ। तो स्ट्रिंग बना के मैंने यहाँ से आगे फॉरवर्ड कर दिया है पोस्ट डिटेल्स के पेज पे। अब आप आ जाएं पोस्ट डिटेल्स के पेज के ऊपर, HTML एंड TS। तो पोस्ट डिटेल्स के पेज के ऊपर अब जाके हमने गेट करना है वो डाटा के जो कि हमने यहाँ से पास किया है अपने होम पेज से। तो पोस्ट डिटेल्स के ऊपर आके सबसे पहले मैं ये इम्पोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर राउटर और एक्टिवेटेड राउट। एक्टिवेटेड राउट असल में क्या है, जो हमारे पास डाटा को गेट करने के काम आता है जो कि हमारा प्रीवियस पेज से आ रहा है। इसकी डिपेंडेंसी भी मैंने इंक्लूड कर ली है यहाँ पर। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर के अंदर आके मैं एक डाटा का वेरिएबल बनाता हूँ, और एक्टिवेटेड राउट को यूज़ करते हुए पैरामीटर्स गेट करता हूँ जो कि हमारे पिछले पेज से आए हैं, वो है डाटा। आप लोग यहाँ देखें कि ये पैरामीटर हमारे पास उसका नाम है डाटा, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसको मैं आपको कंसोल भी करके दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे रीच हो गया कि नहीं, रीच एंड डाटा। ठीक है, तो ये वाला मैंने वेरिएबल इधर प्रिंट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि हमने पीछे से जो डाटा है उसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजा है, तो यहाँ पे हम इसको डाटा को जेसन पास कर लेते हैं, और इसी डाटा को मैं जेसन पास कर देता हूँ और डाटा वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास इस डाटा के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है, वो वाला पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसके अंदर टाइटल भी है, फ़ोटो भी है और डिस्क्रिप्शन भी है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं, जिस तरह मैंने पहले किया था पोस्ट का, उसके अंदर लिख देता हूँ फ़ोटो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और दिस डॉट पोस्ट डॉट फोटो उसको मैं इक्वल कर देता हूँ डेटा डॉट फोटो के। दूसरे नंबर पे टाइटल, तीसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन। तो अब ये तीन वेरिएबल्स बन गए हमारे पास। हमने क्या करना है, पोस्ट डॉट फोटो यहाँ पे शो करवानी है, पोस्ट डॉट फोटो ये टाइटल हो जाएगा हमारा, उसके बाद यहां पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसको सेव कर लें, और हमने इसको मोबाइल के ऊपर रन किया हुआ है तो आप लोग अब देख सकते हैं कि यहां पे पहली बात मैं कंसोल भी खोल लेता हूं, और यहां पे वो पोल्यूशन पे मैं क्लिक करता हूं जैसे ही, तो हमारे पास ये पोल्यूशन की इमेज भी रीच कर गई है। देखो, इमेज है, टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, तो ये टाइटल भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन भी, और यहाँ पे हमारे पास इमेज भी शो हो रही है। इसी तरह अगर मैं इस सेकंड इमेज पे जाता हूँ, सेकंड आर्टिकल की डिटेल्स शो हो जाएंगी, थर्ड पे जाता हूँ तो उस थर्ड आर्टिकल की डिटेल्स शो हो जाएंगी, और हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ रीच्ड और पोस्ट अरे का फंक्शन कॉल होते जा रहे हैं। जैसे ही मैं होम पेज पे लैंड करता हूँ तो मेरे पास पोस्ट अरे आ जाती है, जो कि असल में इस टाइम पे तीन अरेज हैं, तीन और एक अरे है उसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं ये। इसी तरह हम दोबारा से ऐड भी कर सकते हैं नई गैलरी से इमेज, और अपने कैमरा से गेट कर सकते हैं। लेट से एक मैं कैमरा से इमेज गेट करता हूँ यहाँ पे,
और कैमरा से गेट करके आर्टिकल पोस्ट करते हैं। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सबसे आखिर में हमें कीबोर्ड आया हुआ है, ये वाला जो हमने अभी डाला है आर्टिकल, इस पर क्लिक करूँगा तो उससे रेलेवेंट हमारे पास पोस्ट डिटेल्स का पेज भी ओपन हो गया है। तो ये ऐसे हमारे पास एक आर्टिकल पोस्टिंग सिस्टम बन गया। इसके अंदर हमने अभी इसको डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास स्टोरेज में जा रहे हैं, हमारे मोबाइल के स्टोरेज में, और स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर फेच भी हो रहे हैं। फेच होने के बाद उनके डिटेल्स पेज पर भी हमने उनको भेज दिया है, और रेलेवेंट तस्वीरें और आर्टिकल्स और उसके जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हर चीज़ यहाँ पे हमें शो हो रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम फायरबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस पूरे सिस्टम से, और फायरबेस के अंदर डाटा कैसे हम भेज सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।